हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और बाय गाइस जा रहा है ना, बता दे। अरे तो रुक जाओ ना, पहले बता दूं। मैं तो रुका ही हूं, तू भी रुक जाना, मैं भी तुझे से यही कह रहा हूं, रुक जाना। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अभी मैंने ना यहाँ पर आके ना व्लॉग वगैरह शूट किया, मैंने आपको बोला था कि हम वहां से निकल रहे थे तब कि हमारा कुछ प्लान है ट्रिप्स का, बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं हम। देख भगवान कैसे एक्टिंग कर रहे हैं भाई यार, ये अपन नहीं जाने वाले थे गोल्डन टेम्पल। आप क्यों मार रहे हैं? अरे यार ये मुझे फंसा रहे। अच्छा हम लोग का प्लान था गोल्डन टेम्पल जाने का, लेकिन जब हमने, हम लोग है ना नवाब है सारे के सारे, एक दिन पहले ही सारी चीज डिसाइड करते हैं, तो वहां पर ऑलरेडी और डे भी हमने ऐसा चूज किया 15 अगस्त और 16 अगस्त, जिस टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर हमने सोचा कि भाई हमें वहां पर जाना है, शांति से अच्छे से घूम कर आना है। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, ये तू आजा फ्रेम में, तो है ना मेरे को जबरदस्ती। सॉरी मैं सिर्फ अपने भैया की साइड लूंगी। देखो अभी तो एक गोल्डन प्ले बटन आना और बाकी है, तो ना मैंने सोचा था कि सिर्फ वही चीज का पूरा व्लॉग बनाएंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में था, लेकिन पूरी एक्साइटमेंट एक दिन पहले खत्म हो गई, तो इसलिए फिर हमने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। और एक इंसान तो बीमार पड़ा ही था जब से उस दिन गया था, उस दिन के बाद से अब तक बीमार के बीमार ही पड़े हुए थे ये। लेकिन हमने खूब सारा कॉन्टेंट शूट किया है, वो आप देख सकते हैं। कहाँ पे भाई? फेसबुक पर। हाँ ठीक है भाई, मुझे इजाजत दो, जाना यार ये भाई, प्यार से बोल दो ना कि। अरे जा रहे हैं यहाँ से। ओह शिट, ये चल नहीं सकती। अबे नहीं चल सकती, बिल्कुल ही खत्म हो रखा है भाई ये टायर। अब क्या करें? चेंज कराना पड़ेगा। चलो ओए कहाँ से तुम लोग? नीचे का सामान रखने गए थे। सुनो मेरी बात, टायर ठीक कहाँ होता है? हाँ टायर ठीक कहाँ होगा? आपने टायर पंचर किया ना? क्या आपने टायर पंचर? प्रैंक मेरे ऊपर? नहीं 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 भाई, सही में तो अरे भाई अभी हमें कोई मिला नहीं ठीक करने वाला, तो हम लोग खुद ही ठीक कर रहे हैं इसको। लेट्स सी, पहली बार स्टेप नहीं ठीक कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ मैं भी भाई, कहीं रास्ते में कभी कुछ हो दिक्कत तो मैं भी कर लिया करूँ खुद से। ऑल सेट है भाई, तुषार भाई ने कर दिया पूरा। और ये देखो कितना चेंज है इसके टायर में और स्टेपनी में, अभी मैं रास्ते में से इसको ठीक करवा के वापस से चेंज करवा लूँगा। बाय भाई, मिलते हैं वापस से। अरे आ रहे हैं ना थोड़े दिन में वापस? आ रहे क्या है, एक दिन वहाँ जाता हूँ, चार दिन यहाँ रहता हूँ, एक दिन वहाँ जाता हूँ, चार दिन यहाँ रहता हूँ। गाइस बहुत ही तेज बारिश आ रही है, बहुत ही तेज स्टार्ट हो गई है बारिश, एकदम हम निकले तो एकदम बूंद बूंद बूंद, जैसे हम जरा आगे बढ़े अभी गाड़ी 40 से चल रही है यार। अब इतनी तेज बारिश में कैसे चल सकते, और ना अभी इसकी वजह से ना पानी भर जाएगा आगे आगे, जाम मिलेगा। तो आज मुझे लग रहा है कि हम 6-7 घंटे लगा देंगे पहुंचने। अच्छा गाइस, वैसे आज मेरे जिगरी प्रशांत का बर्थडे है, इसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। व्हाट इज जिगरी? वो तेरी गर्लफ्रेंड है। ओके सारे दिन उससे फोन से बातें करता रहता, पूरे दिन उससे बातें करता रहता है, या तो उससे करता रहेगा या कालू से करता रहेगा। अब लेकिन ना उसका आज बर्थडे पे निकले, तो हम यहाँ से इस टाइम पे निकलेंगे, उसका रात तक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बर्थडे खत्म हो जाएगा। और अभी वैसे ग्रुप में इकलौता वही है शायद जिसको गिफ्ट वगैरह कुछ भी हमने नहीं दिया, वैसे बचपन से आज तक मैं उसको कुछ ही नहीं दिया हूँ आज तक बर्थडे पे केक भी। वो मेरा पता कैसा दोस्त है, अब जाके थोड़ा बहुत हम मिलने जुलने लगे, लेकिन पहले बात करते थे, मिलना जुलना साल में 2-3 बार दिवाली होली उस टाइम पे होता था। मैं भी सच में उससे इसी साल ज्यादा मिलने लगी हूँ, वरना हम लोग मिलते नहीं थे। लेकिन अब वो मेरा सबसे पुराने दोस्तों में से एक दोस्त है, और अभी हम वही सोचते हुए जा रहे हैं कि उसके लिए क्या गिफ्ट हम उसको दे सकते हैं, उसके काम ही है। और मुझे पता है, अच्छा चल ठीक है, बस हमने गिफ्ट ही प्लान किया, उसके अलावा तो हमने कुछ कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि पता ही नहीं ना exactly. देखे वो कहाँ बिजी हो, और हमारा ना आज निकलना ऐसे मतलब फाइनल भी नहीं था, हो सकता था हम निकल जाए, हो सकता था हम और लेट निकले, हमने तो सोचा था कि हम 17-18 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्लान था अमृतसर जाने का। और मेरे घर पे क्योंकि जन्माष्टमी आपको पता ही है, लड्डू गोपाल का मम्मी बहुत अच्छे सेलिब्रेशन करती है, अगले 2-3 दिन ना थोड़े से अगले ब्लॉग्स ना 2-3 वो सेलिब्रेशन और मस्ती वाले होने वाले हैं। क्या हो रहा है? मैंने ये हली गुली को ओपन किया और मैंने इसे पूछा खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने इसको एक खिलाया जानबूझ के, मैंने बोला अब बोल नहीं खाना, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक दे दे मुझे। अरे देखो ऐसे गाड़ी चलाता हूँ, ऐसे खिलाती हूँ, और जब भी इसको भूख लगती है ना, मुझे भी क्योंकि हम लोग साथ में भूख लगती है, हम लोग एक टाइम पे निकलते हैं, लेकिन ये ना ये बंदा खुद तो मुझे बोलेगा खिलाओ खिलाओ, और बीच में अगर मैं खा लूँ मैं इधर यूं देखने लग जाता है। वैसे सच बताऊँ, मुझे सच में रोड ट्रिप के साथ बहुत मजा आता है, क्योंकि ये
मुझे अब मेरे फेवरेट गाने सुनने देता है, कोई और तो होता नहीं है। जैसे टीपू भी होते ना जो मुझे नहीं सुनने देते। जो बंदर नहीं होता छोटा सा जो ताली बजाता है वो घंटी सी बजाता है उसकी जैसे बजाती है ताली अंदर आते। कैसा लगा इतने बड़े घर में अकेले रहने में? पता नहीं क्या हो रहा था क्या है ना, बारिश आती तो खिड़की खड़खड़ मैं यहाँ बैठी है ना, सारे में दरवाजे वाले सब चेक करके बैठी थी, आवाज आई गेट खुलने की बंद होने की, खुलने की बंद होने। मैं तो बहुत भयंकर डर गई, मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं वहां तक चली जाऊँ। जयपुर में बारिश हो रही है कंटिन्यू बहुत तेज, जिसकी वजह से सारी डिलीवरीज बंद है जोमेटो स्विगी सबकी। तो अभी मैगी लेने जा रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला। और पता है क्या, रास्ते में इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को जीनी डोसा खिलाऊंगा, सुनो मेरी बात सुनो, है ना। तो मैंने कहा, तो मैंने नहीं बोला था, इसे खुद ही बोला मुझे। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर हम जब उसके पास पहुंचे तो पता क्या होता है, अरे यार अब नहीं करते हैं, अरे नहीं करते हैं, वहाँ बाहर बैठते हैं, पूरा डोसे में ना पानी पानी जाता है। कम से कम मैं खाना तो खा लेती ना, भूखी सो जाती। अब मेरी मम्मी ने फोन करके इसको बोला कि इसको कुछ खिलाना, तो ये मुझे खिलाने के जा रहा है। बड़ा पता मुझे क्या बोला, भूखी सो जा। सूरज इज योर डिलीवरी पार्टनर टुडे भैया। सुन डिलीवरी पार्टनर, घर तक देके जाओ, चल जाओ नीचे जाओ, पार्ट टाइम जॉब कैसे बाहर आ गया। जाओ नीचे जाओ। गुड मॉर्निंग। और अभी बस दूध लेकर आए हम दोनों जाके कॉफी पीने, क्योंकि मेरे को के हाथ की। और एक्चुअली कल रात को पता ही नहीं चला कब हम लोग सो गए, और प्लान डिसाइड हो चुका है आज का, प्रशांत का कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। गिफ्ट लेकिन अभी पॉज पर ही है, वो अभी फाइनल कब आएगा कब नहीं आएगा कैसे क्या होगा उसका भी होल्ड पे रहने। तो सब चीजें आज हम फार्म हाउस जा रहे हैं जो हम काफी टाइम से जाने वाले थे, तो आज के दिन हम सोचा कि आज ही मजे करते हैं ना पूरी पूरी, उसका बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ यार पता है, मैंने पूरा हमने प्लान क्या करा था कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, उसको बताएंगे नहीं कि मैं आ चुका हूँ, सीधा कहीं मिलेंगे या कुछ करेंगे सेलिब्रेशन, सीधा उसको वहीं पहुंचाएंगे। अभी वैसे तो प्लान उसके अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है, वो मेरी मम्मी से ही बात करता है, वो इसकी मम्मी से भी बात करता है, वो इसके पापा से भी बात करता है, वो पूरे ग्रुप में सबके घर वालों से बात करता है। तो किसी ना किसी ने बोल ही दिया हाँ वो आ रहा है, मेरी मम्मी ने शायद कल शाम को बोल दिया हाँ वो आ रहा है। मम्मी ने फोन करके उसे पूछा बेटा वो पहुंच गया क्या फ्लैट? अरे यार क्या ज्यादा कुछ नहीं, क्या कर दिया? वो मिकू के फोन पे फोन आया था तो मैंने फोन उठाया तो मेरे को भानू की आवाज लगी थी, लेकिन वो परेशान था। अरे तेरे को क्या जरूरत थी उसका फोन उठाने की? तो अननोन फोन उठा के तूने नाम के हिसाब से बोल दिया? और तूने उसका फोन क्यों उठाया? अरे मुझे लगा भानु कॉल होगा, वो क्या नाम लगा क्या होता है, और भानु का नंबर सेव नहीं होगा? भानु भैया का नाम से सेव है वो, ढक्कन कहीं की चली जाए, चल पागल। उसने मुझसे भानु के बारे में बात करी थी, इतना ही पता था, जाके बोलिया घर पे जाके उसके। मुझे पता क्या बोला, हेलो दीदी आप रात को आ गए? पागल है यार तू यार। टीवी वाई भी आ चुके हैं, लो चले गाइस पहुंच गए हम लोग। और ये वही फार्म हाउस है जिसका सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, सो ब्यूटीफुल यार। हाँ बहुत प्यारा फार्म हाउस है यार, तो बहुत सुंदर है। हम बड़ा वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि सबके साथ आएंगे, लेकिन अब लेट ही लेट होता जा रहा है, तो फिर अभी एक बार हम मजे कर जाएंगे, फिर बाद में सबके साथ वापस आ जाएंगे। तो बहुत सुंदर है टीपू भैया। यार ये गलत बात है यार, अभी सुबह तक तो बारिश आ रही थी, और ये देखना मौसम को फूल भरा जा रहा है। तो ओह माय गॉड, जाओ ये हमारा है। हाँ मतलब इधर की रूम सबकी अच्छा है, पर ले लेते हैं, हम तो पहले चेक करेंगे। जाओ चेक करो हम। चलो ये लोग भी आ गए हैं, बस बाहर ही है, गाड़ी अंदर लेकर आ रहे हैं। एक्साइटमेंट भी नहीं कर सकता कि उसको आकर सरप्राइज देंगे, क्योंकि उसको तो सब पता ही है, उनको उसको पता चल गया कि अपन यहाँ पर हैं।
ये चीज मैं बार बार बोलूंगा बार बोल ले बार बार तो क्या होगा तेरे बोलने से मैं थोड़ी बुझ रही हूँ शाबाश दोनों बहनें एक माजनी की भाई तू कल की नहीं मिला ये बता मैंने प्लान बनाया था तेरे लिए हमने चश्मे वाला केक मंगाया हो गया सेलिब्रेशन हो गया चलो कुछ अरे काम में मैं बचाऊं अरे वो टीपू को तो खिलाओ यार ओए भाई मेरे को भी खिलाओ देख मैं तेरे को रूम दिखाता हूँ जिसमें अपन सारे एक साथ रुक सकते हैं ये रे देख चार बेडरूम आराम से मस्ती कर सकते हैं पूरी रात बहुत आराम से ये एक्चुअल में ग्रुप के लिए बना हुआ है रूम बहुत सही है काफ़ी देर पूल में मस्ती करने के बाद अभी आए हैं हम छत पे और देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। देखो मैं इस फार्म हाउस की बात बताता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था जब मैं पहले आया था यहाँ पर कि जब आएंगे उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो अभी तो हमारे को आधा ही दिन हुआ है और अभी तक हम लोगों ने बहुत मज़े करे हैं। यहाँ की सर्विस बहुत प्यारी, सबसे बेस्ट चीज़ सर्विस के लिए तो मैं अभी तक के जितने फार्म हाउस है ना उसमें सबसे ऊपर मैं इसको रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह फार्म हाउस जब भी हम गए ना वहाँ पर एक जना होता है दो जने होते हैं, यहाँ पर 6-7 लोग हैं जो एनी टाइम आपकी हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। हमका नज़ारा दिखाता हूँ, ये तो भाई फार्म हाउस है पूरा प्यारा सा और इधर तक पूरे में पेड़ ही पेड़ है और बहुत प्यारा, इधर की खेती बाड़ी चलती है काफ़ी तो पूरा बहुत प्यारा। इधर देखो पीछे क्रिकेट अकेडमी है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर का व्यू ये देखो यार, बड़ा ही मन खुश हुआ मेरा इधर फार्म हाउस आकर। नाइट में जो मस्ती करेंगे वो और दिखाएंगे हम आप लोग को, एक अलग रूम है जिसमें मस्त पार्टी कर सकते हैं, जिसमें से एक्चुअल में पूल से भी बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं उसमें, तो उसमें एक अलग मज़ा आएगा। एक्चुअल में ना ये फार्म हाउस अभी तक काम जिसमें उससे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लोगों के हिसाब से भी, मतलब ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं आराम से रुक सकते हैं। हर जगह 2 या 3 रूम होते थे, यहाँ पर साला एक ही जगह 4 बेड लगा रखे हैं कि पूरा ग्रुप एक साथ रुक सकता है। मज़ा उसमें सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को वो लगी, वो जो एक जगह 4 बेड है ना, साले 8-10 लोग हैं वहाँ एक जगह रुक जाओ पूरी रात मस्ती करो। और हर बार हम लोग है ना कोल्ड ड्रिंक पेप्सी सब कुछ ले लेके भर भर के आते थे चिप्स कुरकुरे, इस बार हम कुछ भी नहीं लेके आए क्योंकि यहाँ पर ना सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, मतलब चिप्स कुरकुरे नहीं खाने की व्यवस्था प्रॉपर है। अभी तक के फार्म हाउसेस में से सबसे अच्छा इसको बोलूँगा और हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप फार्म हाउस का प्लान बना रहे हैं ना तो ये वाला सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस लेवल होगा ना वो बहुत प्यारा होगा। तो इनकी सारी डिटेल्स ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कभी फार्म हाउस जाने का मन करे ना तो मेरा अभी तक की सबसे ज़्यादा सजेशन में सबसे ऊपर इसको रखना। देखो इस फार्म हाउस का सबसे मस्त एरिया, आज पार्टी नाइट होगी, आज हमारा डांसर आया है चली ना ये चली नहीं रहा, वो तो बोले थे चल जाएगा पर चलाना आता है कोई डीजे वाला हो तो चला लो। मेरे को कहाँ से आता है, कितने डीजे लगाए नहीं भाग के पकड़ना है,
नहीं आएगा पकड़ ये तो नहीं पकड़ा जाएगा भाई दोनों से जाता है सुंदर है ना।